बच्चे, इस ट्यूटोरियल में हम स्क्रैच के बारे में जानेंगे। स्क्रैच जो कि सॉफ्टवेयर का भी नाम है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट का भी नाम है, सबसे छोटा प्रैक्टिकल यूनिट होने वाला है और इससे आसान, अगर आप प्रैक्टिकल समझ गए तो आसानी से कर सकते हो, किसी भी तरह का भी सवाल दे दे। इसके अलावा जिन बच्चों को प्रोग्राम बनाने में मज़ा आता है या सॉफ्टवेयर बड़े होकर बनाना चाहते हैं, तो उसकी बेसिक जो चीज़ें हैं, वेरिएबल, कंस्टेंट, लूप्स वगैरह, उसको आप बड़े ही मज़ेदार अंदाज में इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए सीखेंगे। इसमें जितने भी ट्यूटोरियल्स होने वाले हैं वो तो YouTube पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मोबाइल यूज़ करके आपको प्रैक्टिकल यूज़ करना है डायरेक्टली MIT की वेबसाइट से। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पे आपको दो लिंक शेयर किए गए हैं। जो पहला लिंक है ना, पहला लिंक हो गया आपका वो वेबसाइट में स्क्रैच ओपन करने के लिए, और उसके नीचे जो दूसरा लिंक है ये YouTube ट्यूटोरियल है। इसमें बताया गया है कि उस सॉफ्टवेयर में जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उसके स्क्रीन इंटरफेस के जो हिस्से हैं उनको क्या कहा जाता है। आपको ये पता रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले प्रैक्टिकल्स में हम बस नाम कहेंगे कि किस जगह से हम कौन सा ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, और वो चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए, और ये बहुत आसान भी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस वेबसाइट, जो ऊपर वाला पहला लिंक है स्क्रैच MIT का, उसे टैप करके अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे। जो भी आपके फ़ोन में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा, क्रोम हो, UC ब्राउज़र हो, चाहे कुछ और हो, वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया है, और जब ये ओपन होता है बच्चे, तो इस जो स्क्रीन है ना, हमारे मोबाइल स्क्रीन से भी ज़्यादा फैली होती है। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, तो हम क्या करेंगे, ये जो मेन्यू बार है ऊपर वाला जो ब्लू कलर का एरिया है, इसकी मदद से, और ये जो साइड में कैटेगरीज बना हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हो सर्कल सर्कल बना हुआ है वो एरिया, उसकी मदद से हम जूम आउट करेंगे। जूम आउट कैसे किया जाता है, दोनों उंगलियों को उस जगह पे रखो और स्क्रैच यू कैन मेक योर ओन स्टोरी। ये गलती से जो है प्ले हो गया। तो जूम आउट करने के लिए आपको दोनों उंगलियों को या एक थंब और एक फिंगर को उस जगह पे रखो और दोनों को करीब लेकर आओ। जब हम दोनों को करीब लेकर आए तो ये इस तरीके से जूम आउट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं पहली बार जब आपका स्क्रैच का वेबसाइट लोड होती है, तो ये जो मैंने सर्कल किया है, हाईलाइट किया है, ये रीजन जो है पॉपअप बन के ओपन होता है। आपको इसे क्लोज़ करना है। इसे क्लोज़ करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे जो ग्रीन एरो बना है उसे टैप कर लो। जब उसे टैप करोगे तो फिर इसका जो क्लोजिंग मार्क है यहाँ ऊपर आ जाएगा। अब जब ये ऊपर आ जाएगा तो फिर आप इसे टैप करके क्लोज़ कर लो। क्लोज़ होने के बाद आप इसको ज़रा सा ऊपर कर लो और और ये है मेरा भतीजा मिस्टर शायान। हाँ, भतीजा नहीं हूँ, मैं मोहम्मद शायान हूँ। ठीक है, सुन लिया, वो मेरा भतीजा नहीं, वो मोहम्मद शायान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ, अब हमें देखना है, एक छोटा सा प्रोग्राम हम बनाते हैं। वो प्रोग्राम बनाएंगे तो उसको रन करके भी हम देखेंगे। तो आगे प्रोग्राम तो आप बनाते ही रहेंगे। आप इसको देखो क्या करना है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे मोशन का ब्लू कलर का कैटेगरी बना हुआ है, तो आप उसी को टच कर लो। अगर आपने गलती से यहाँ वहाँ टच कर दिया है तो आप उस ब्लू वाले मोशन को, कैटेगरी को टच कर लो। उसके बाद आप मूव 10 स्टेप्स का जो ब्लॉक है यहाँ स्क्रिप्ट एरिया में ड्रैग कर लो। अब ड्रैग करने के बाद आप क्या करो, साउंड ब्लॉक में जाओ और ये जो स्टार्ट साउंड म्याओ है इसे आप ड्रैग करके ले आओ, और उसके कहाँ लगाओगे, यहाँ मूव के नीचे लगाओगे। और फिर उसके बाद जाओ आप कंट्रोल्स में, ये कंट्रोल्स हो गया, कंट्रोल्स में गए हम और वेट 1 सेकेंड को हम यहाँ पे नीचे ले आए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे कंट्रोल्स में ही और रिपीट ब्लॉक को ला कर उसके सराउंडिंग में रैप कर देंगे, और ये जो रिपीट 10 लिखा है रिपीट 5 कर देते हैं। चलो ओके, अब हम क्या करेंगे, इवेंट्स में जाएंगे और व्हेन फ्लैग क्लिक्ड करने के बाद
तो हमने वेन फ्लैग क्लिक कर लिया और ये हमारा स्क्रिप्ट रेडी हो गया छोटा सा एक्सपेरिमेंट के लिए। और अब आपको क्या करना है, ऊपर में ये ग्रीन फ्लैग को टैप कर लेना है। तो ध्यान रहे, जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे स्क्रीन को, तो ऊपर में आपका ये ग्रीन फ्लैग दिखाई देना चाहिए। गलती से अगर आपने ज़्यादा नीचे स्क्रॉल कर लिया तो कोई बात नहीं, ये हमारा है ना साइड वाला एरिया कैटेगरीज बार, तो आप उसकी मदद से ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है, उसको टच करके। तो अब हमें क्या कर लेना है, बस अपने फ्लैग को टैप कर लेना है। देखो ये आपका पहला स्क्रिप्ट रेडी था, पहला प्रोग्राम स्क्रैच से जो बनाया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, कि जब भी आपने फ्लैग क्लिक किया तो आप जो भी कोड यहाँ पे लिखे हैं उसको 5 बार रिपीट करना है। वो तो क्या 5 बार रिपीट हो रहा है देखते हैं। पहले तो आपको 10 कदम आगे चलना है, तो आप देख रहे थे कि बिल्ला जो है थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा था 10-10 कदम करके, उसके बाद वो म्याऊं साउंड कर रहा था, और उसके बाद म्याऊ साउंड करने के बाद ज़रा सा रुक जा रहा था, कितनी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए। तो क्या हो रहा था, पहले बिल्ला थोड़ा आगे जाएगा, म्याऊ कहेगा, रुकेगा, और ये तीनों काम करने के बाद इसी तरीके से वो और 5 बार करेगा। तो ये था हमारा आउटपुट बच्चे, आप इसे करो और जो भी डाउट आएगा तो पूछ लेना, और जब भी आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए। ओके, ख्याल रखिए।